अरे ये तुम्हारे सुनो, नहीं वो तो ब्लॉग बना रहे, ब्लॉग बना रहे। तुम कहाँ से ला रहे हो घास? आमसोर से। आमसोर कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से गैस गोदाम से। अच्छा 3 किलो। तो रोज 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 जाते हो? हाँ कभी घास के लिए कभी लकड़ी। अच्छा के लिए। तो चलिए अब चलते हैं। ये ओफो गाड़ी में रख दिया सामान। ये हो गई तैयार तमाम। रुक भी जा रहा है स्कूल और गुफी को घुमा रहा। अभी 9 बजे का है ध्रुव का। बच्ची का हो गई गोलू हो गया और मैं तमाम सब लोग। ये आज गुफी हमारा अकेले रह जाएगा और हमको छोड़ नहीं रहा था। जूते भी नहीं पहनने दे रहा था गुफी ना। गुफी को पता लग गया आज ये निकलने वाला है करके। गुफी जब बिल्कुल जिद कर रहा था। तो ये हो गई है गाड़ी भी रेडी और ध्रुव भी हो गया स्कूल के तैयार। और ध्रुव अपनी मम्मी से मिल रहा है और ध्रुव को आज निशाज भी लग रहा है। हैं चलो भाई चलो 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 ध्रुव ठीक है जी। हैं ठीक है बाय 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 बाय। अभी आज ध्रुव भी और आज ध्रुव रहेगा अकेले, ध्रुव और दीपिका। और हम लोग तो निकल गए हैं घर को। है चलो भाई चलो भाई भाई क्योंकि आज हम देहरादून अलविदा कर रहे हैं और निकल रहे हैं पहाड़ की ओर। सबसे पहले सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं किशन बोरा, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल किशन बोरा ब्लॉग में। दोस्तों सुबह का टाइम है और 8 बज चुका है। हम लोग निकल रहे हैं आज देहरादून से पहाड़ की ओर। तो आज एक हफ्ते बाद फिर पहाड़ का टूर और पहाड़ में, क्योंकि यहाँ जो काम था वो निपट गया है। अब देहरादून से लेकर गरुड़ जोनाई तक का सफ़र आपको दिखाएंगे। आप बने रहें लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब के साथ। फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं तीनधारा। ये तीनधारा है और खाने के लिए यहाँ पर रुके हैं। दिन का लंच कर लेते हैं क्योंकि टाइम हो चुका है। आगे अभी हमारा लंबा रूट है और निकलना भी है हमको, क्योंकि हम पहुँच रात हो जाएगी हमको जाते जाते। फाइनली दोस्तों हम हैं तीनधारा पर और हम तीनधारा पर लंच कर चुके हैं क्योंकि टाइम हो गया 11:30 का। क्योंकि अभी लंबा रास्ता है हमारा, हमको निकलना भी है। ये ऑल वेदर रोड है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग लंच करके अभी आराम कर रहे हैं। उसके बाद थोड़ी देर में 10 मिनट के बाद हम निकलेंगे क्योंकि 4-5 लोग हमारे और लोग भी खाना खा रहे हैं। तो मैडम भी खाना खा के गाड़ी में बैठ गई है और मैं भी खा चुका हूँ। पर अब हमारा जो है आगे का सफ़र लंबा है और हम चलेंगे और अगले स्टेशन पर आपको रूबरू कराते हैं। दोस्तों हम पहुँच चुके हैं देवप्रयाग में और ये एक प्रयागों में से एक प्रयाग है देवप्रयाग। तो तीर्थ स्थल है, देख सकते हैं यहाँ से दो नदियों का संगम है और ये नदी यहाँ से गंगा जी बन के आगे को निकलती है। तो आपको हम देवप्रयाग जो हमारे पहाड़ का एक प्रयाग है, पंच प्रयागों में ये एक प्रयाग है। और तो हम हैं देवप्रयाग पर। देवप्रयाग एक बहुत खूबसूरत ऊँचे ऊँचे पहाड़ इसके ऊपर हैं और दो नदियाँ आती हैं और यहाँ से गंगा जी बन के आगे को निकलती हैं। तो देख सकते हैं बहुत ही सुंदर पहाड़ देखो यहाँ मिलेंगे। ऊँचे ऊँचे पहाड़ भी यहाँ पर हैं और ये देखने को मिलेगी। और देख सकते हैं ये सामने मंदिर है देवप्रयाग का और घर भी बहुत छोटे छोटे हैं यहाँ पर, ये देख सकते हैं। क्योंकि एक पहाड़ है तो लोगों ने घर एकदम आपस में चिपका चिपका कर बना रखे हैं। और ये सामने देखिए कोई सरकारी विभाग का कुछ है यहाँ पर, ये है हाँ, नीचे रिजॉर्ट है, ऊपर सरकारी कोई दफ्तर है। और ये नदियाँ हैं, दो नदियाँ। अब ये तो भागीरथी है से गंगा जी बन के आगे को निकलती हैं। ये है देवप्रयाग का संगम। चले चलते हैं आगे की ओर।
तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं देवप्रयाग और लगभग दिन का 12 बज चुका है। निकलेंगे अब क्योंकि हमको निकलना है पहाड़ की तरफ। पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगी और हर स्टेशन जहां पर भी हमारा रुकना होगा तो वहां पर हम वहां की वीडियोज़ और वहां का ब्लॉग आपको दिखाएंगे। ये हमारी टीम है पूरी, हम लोग यहाँ पर हैं अभी देवप्रयाग पर। पूरी टीम जो है सब लोग अब निकलते हैं आगे की ओर। ये तुम्हारे सुनो ब्लॉग बना रहे, तुम कहाँ से ला रहे हो घास? आमसोड़ से। आमसोड़ कितना दूर है यहाँ से? गोदाम से। अच्छा, 3 किलो। तो रोज रोज जाते हो? हाँ, कभी घास के लिए कभी लकड़ी। अच्छा, तो नाम के आपको शुभ नाम? शुभ नाम क्या बताया आपको? अच्छा, अरे तुम कहाँ भागे दीदी? आप भी इधर देखो, बात तो सुनो। अरे बात तो सुनो वीर, बात सुनो। अरे भाग कहाँ रहो, इधर तो देखो फिर। ये भाग गए यार, और चलो फिर है। ठीक है ठीक है, धन्यवाद। तो बोलिए। अच्छा, ये हमारा गढ़वाल में पड़ता है। अच्छा, कौन सा गांव? तुम ये कौन सा ढाबा है? आप ढाबा में ध्यानकुंज? ध्यानकुंज, ध्यानकुंज, ध्यानकुंज। ये है नौली बगोली है, कपरी में पड़ता है ना। कपरी 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 कपरी। अच्छा, नौली बगोली का क्षेत्र ये पड़ता है कपरी में। ये हम कर्णप्रयाग से आगे एक ढाबा है, इस ढाबा में हमेशा जो हमारा खाना पीना होता है मच्छी भात मिलता है और वेज मिलता है, चिकन भात मिलता है, है? और बताओ, ये हमारे साथ हैं आज भाई जी, बताएंगे। भाई जी बताओ, आज सफ़र कहाँ कैसा रहा? आज का सफ़र ठीक ही रहा है। क्या कहना चाहोगे लोगों को कि क्या क्या ये रस्ते की क्या खासियत है? मच्छी भात खाने का मूड था, वो थोड़ा सा टाइम समझ नहीं पाए। अच्छा, और क्या होता है? और बताओ, और बताओ भाई जी, मैं और क्या बताना था, और कुछ बताओ। मैं ठीक हो रहा, मजे हो रहे। ठंडा काफ़ी है ना? ठंडा बहुत। बारिश नहीं हो रही? बारिश बारिश भी हो रही है, कम हो रही है ना के बराबर हो रही है ना। फाइनली दोस्तों हम पहुँच चुके हैं ग्वालदम और शाम का टाइम है 4:30 बजे का। ठंड बहुत है ग्वालदम में, देख सकते हैं पूरा जो है मौसम बिल्कुल एकदम अंधेरा हो रखा है। और ये देखिए, ठंड, लोगों ने अलाव जला रखा है जगह जगह पर क्योंकि ठंड हो रही है। ये है ग्वालदम, देखिए यहाँ अलाव भी जला रखा है, आज जला रखा है जगह जगह पर क्योंकि ठंड बहुत है ग्वालदम में। ये देखिए बिल्कुल कम हो रखा है, बंद है एकदम आसमान। फाइनली दोस्तों हम पहुँच चुके हैं ग्वालदम। ये है ग्वालदम, ग्वालदम में बूंदाबांदी तो हुई रखी है, ठंड काफ़ी है यहाँ पे। और यहाँ पर भी थोड़ी ये लोग उतर रहे हैं, कुछ काम है। ये देख सकते हैं ग्वालदम मार्केट, ये नीम भी आ गया है। कहाँ गया है नबुआ?